कीर्तन में हल्ला मचाने वाले आ गए, कीर्तन में हल्ला मचाने वाले आ गए, ओ आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, कीर्तन में हल्ला मचाने वाले आ गए, कीर्तन में हल्ला मचाने वाले आ गए। आने वाले आ गए, कीर्तन में हल्ला मचाने 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 वाले आ गए। मैना माई रो रही है, पार्वती रो रही है, और पार्वती के पिताजी गुस्सा से आंख लाल पीला किए, भोला बाबा तो सब बात को समझ रहे हैं। मैना माई के नारद जी, आप बराती लेकर चले जाइए, महादेव को लेकर के चले जाइए। मैना माई महादेव के बारे में बोल रही है कि नारद जी, ए नारद जी, आप भोले दानी को लेकर के यहां से निकल जाइए, हमारी बेटी की शादी महादेव से नहीं होगी, महादेव के साथ हम अपनी बच्ची की शादी नहीं करेंगे, क्योंकि केस होनकर पाक गए दाढ़ी, दांत होनकर टूट गए आ गए मुढ़ानी। कल के हे लड़का को उम्र बहुत ज्यादा छे। मैना माय कल कहे कि लड़का हमरा बेटी के साथ जोग नहीं खाए चाहे, दुवारी लड़का के ले जाओ। मैना माय नारद बाबा के आगे हाथ जोड़ रही है कि नारद जी, अहकेश हिंद कर पाक गए ले दाढ़ी, दांत हिंद कर टूट गए ले आ गए ले बुढ़ानी, एकरा संग गौरी कैसे दिन मां कटाई। मैना माई कह रही है कि भोले बाबा आप चले जाइए, नारद जी आप महादेव को लेकर के चले जाइए, मैं बार बार आपको बोल रही हूं कि मैं अपनी बेटी की शादी इनसे नहीं करूंगी। एकरा संग गौरी कैसे दिन मां कटाई। नारद जी हो जाई मोर वरवादी, 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 नारद जी हो जाई मोर वरवादी। महादेव चुपचाप बैठे हैं, मैया पार्वती सोच रही है कि पिताजी जब आज्ञा देंगे, माताजी जब आज्ञा देंगे, तो वरमाला लेकर के जा करके महादेव के गला में डाल दूंगी, मेरी शादी हो जाएगी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। शादी के नाम पर बड़ा उत्साह से सब आदमी के, एगो लड़का बेचारा गले शादी करे ले, तो लड़का जब शादी करे गले तो रात में शादी भेले,
छह बजे भोर में बिदागरी भे गए तो लड़की बेचारी ट्रैक्टर वाला डाला में वो हार लगाए रहे वो डाला में गिरे बजरे काने माए गे माए बाबू हो बाबू जोर जोर से लड़की गिरे बजरे काने तो लड़की के देख के लड़को काने लगले लड़का कल के लड़की कल के लड़का के तो कथिल काने छो लोग देखते थे की कहते जे लड़का बकलेल छे तोरे नहीं शादी करे भोला बाबा के लिए गंजियो नहीं पहनने रे सब मिलके घुरबे रे लड़की कल के लड़का के हे नहीं कानो तो एक कान बहुत है माए बहिन सब हमरा दुस्त है लड़का कल के कानवे नहीं कल के किया काने छो लड़की कल के लड़का के किया काने छो लड़का कल के कानवे ने आप तोरा से हमरा शादी भे गेले तो हमर पत्नी भे गेल हो आ ट्रैक्टर वाला डाला में गिरे छो बजरे छो कहे चदरा में चोट लगतो हाथ वाला हड्डी टूट जतो तो बैंडेज करबे में हमरे रूपा लगते ऐ दुआर हम कहने छे जे नहीं होते देहन पटको लड़की कल के हमें तो ऐ दुआर कहने छे कि जे माय बाप जन्म दे के पाल पोस के बड़ा कल के आ हम अपना बाप माय के छोड़ के तोरा साथ जाए छे ऐ दुआर हमें कहने छे हम अपना बाप माय के नहीं होलिए तोहर भे गेलियो लड़का कल के वह दुआर तो हमू कहने छे कि जब तू अपना बाप माय के नहीं होलो तो हमारा बाप माय के थोड़े हो यह दुआर तो हमू कहने छे लड़का कल के लड़की के हे जे भाई तोरा पढ़ाई लिखाई के बीए पास करलको कॉपी कलम किताब दिलको जब तू अपना भाई के नहीं होलो तो हमरो भाई के तू नहीं होबो हमरा घर में जाए के अब भाई भाई में झगड़ा लगाए के घर दुआर जमीन जाल सब बटवाए देबो वह दुआर हमू कहन रहल छी देखिए देखा जाए अब गौरी मैया रो रही है मैना माई कहती दुल्हन चाहि बम भोला के जैसन 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 हो देही हम भूत बैठा हो संग बम भूत बैठा ले भाई दुल्हन चाहि बम भोला के मैना माय कल के नहीं नहीं दुल्हा के चूलो छटाइल नहीं छे तदगो केस छे हमें बोरहवा से शादी नहीं करवे लेकिन नारद जी बोल रहे कि महादेव है शादी कर दीजिए अब सब गुस्सा शांत किए मैना माई जा करके बेटी को आज्ञा देती है और मैया पार्वती अपने हाथ में बरमाला लेकर के भोलेनाथ के गला में डालने चली गई। अब महादेव मैया पार्वती के ऊंचाई 6 फुट मैया पार्वती की ऊंचाई क्या फिट रहे 6 फुट अब भोला बाबा की ऊंचाई 9 फुट बड़ा मुश्किल से 3 फीट बड़ा छे आ शादी ब्याह में जे लमगर आदमी रे छोकरा के लगते धुआ धरो लंबा आदमी की काम छी भोला बाबा का ऊंचाई है 9 फीट आ गौरी मैया का ऊंचाई है 6 फीट अब तो भारी मुश्किल है सखी लोग चली गई और सखी लोग गीत गाती है और आवाज लगाती का देखी हो न दुल्हा जी चले छथिन कोना सखी है
देखियो न दुल्हा जी चले छथिन कोना, जेना बकरी के बचवा उछले छे तेना, जेना बकरी के बचवा उछले छे तेना। सखी हे देखियो न दुल्हा जी चले छथिन कोना, सखी हे देखियो न दुल्हा जी चले छथिन कोना, जेना बकरी के बचवा उछले छे राम जी के दादी जी के ओर से 50 रुपया का दान है भोला बाबा के शादी के उपलक्ष्य में। सखी लोग गीत गाती है कि सखी है देखी हो न दुल्हा जी चले छथिन कोना, जेना बकरी के बचबा उछले चैतेना। भोला बाबा बिल्कुल शांत हैं, सोचे हम चलवे न करेंगे। भोला बाबा बैठ गए। अब पार्वती के पिताजी बोल रहे कि बेटी शादी नहीं करो, एकदम साफ बकली लड़का है। क्यों? अब राजा दक्ष शादी करना क्यों नहीं चाहते बच्ची को? देखिए क्यों नहीं करना चाहते हैं, इसका कारण है, इसका कारण है कि लाइन से जो राजा महाराजा देवता सब बैठे थे, भोला बाबा सबको प्रणाम करते जा रहे हैं। और राजा दक्ष सोचा कि हमारा दामाद है, तनी देर दम मारो ना, प्रसाद के झैप कर रखो ना। अब राजा साहब सोचे कि शंकर भगवान हमारे दामाद हैं, तो सबको जब प्रणाम करते आ रहे हैं तो हमको भी बड़ा मान सम्मान के साथ प्रणाम करेंगे। और यह श्री शंभु पांडे, शंभु भाई की ओर से 101 रुपया का दान आया है महादेव के दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आपका भी नाम शंकर भगवान से मिलता जुलता है, शंभुनाथ आप हैं। और एक माता जी की ओर से 51 रुपया का दान आया है। बोला बाबा सबको प्रणाम किए और अपने ससुर को प्रणाम नहीं किए, खड़ा रह गए। इसलिए गुस्सा के मारे राजा दक्ष बोल रहे हैं, बेटी शादी नहीं करो, ये जब मेरा सम्मान नहीं किया तो तुम्हारा भी सम्मान नहीं करेगा, इसलिए इसको जल्दी भगाओ। क्यों? अपना ससुर के भोला बाबा यदि प्रणाम करते तो पैर छूकर करते, अब पैर छूकर करते तो भोला बाबा का शीश नीचे झुकता तो तीसरा नेत्र खुल जाता, तीसरा नेत्र खुलता तो ससुर जल के खा। तो अपने ससुर को नहीं जले इसलिए बेचारे प्रणाम नहीं किया, लेकिन उनको गुस्सा आ गया। तब तक मैं मैना माई गई और महादेव जो सामने थे, जा करके भोला बाबा थोड़ा सा नाराजी बोले कि सरकार थोड़ा आप अपना टावर को झुकाइए, बड़ा लंबा आप हैं, ये हल्ला गुलाम कीर्तन लगे छे नहीं होते, बड़ा मुश्किल छे, या तो कीर्तन सुनियोग नहीं तो प्रसाद बांटियो। शांत करियो, अब देखिए मैना माई सामने खड़ी है और बेटी बगल में खड़ी है। भोला बाबा थोड़ा सा अपना गर्दन को नीचे झुकाए, मैया पार्वती भोला बाबा के गला में माला डाल देती है और भोला बाबा भी अपने हाथ से जयमाला लेकर के पार्वती के गला में डाल दी। शादी हो गई। और शादी जब हो गई तो अब बसहा बैल से भोला बाबा आए हैं, तो बसहा बैल से तो पार्वती नहीं जाएगी। राजा सोचे कि मेरा भी मान सम्मान है,
एक लड़का ये पागल है कि बसा बैल पर चढ़ करके आया है, दूसरा पागल मेरी बेटी है कि भिखमंगा से शादी कर लिया, जब इसके पास में कपड़ा नहीं है तो हमारे बच्ची को कहां से क्या दे सकता है। देखिए, लेकिन भोला बाबा और धरदानी है, बाबा कोना कोना के दुनिया बन लिए यो, कोना कोना के चल लिए यो ना। भोला कोना कोना के दुनिया बन लिए यो, कोना कोना के चल लिए यो ना। महादेव समझ गए कि मेरे बात को कोई महिला पकड़ लिया है और गीत गा रही है महिला, ए भोला बाबा केकरो बोरा भरल ओन आ केकरो रोटी पर नहीं नून। सब कहे छथनी के हे महादेव केकरो बोरा के बोरा गेहूं सरे छे, जाहो ना आजा महामन के महाजन के गद्दी में चार मकई गेहूं सब मुंह खाए रहे छे। केकरो बोरा भरल ओन केकरो रोटी पर नहीं नून, केकरो भीख मांग के दिवस अहां कटवे लिए यो, कोना कोना के चल लिए यो ना। बाबा कोना कोना के दुनिया अहां बन लिए यो, कोना कोना के चल लिए यो। इतने ने ओकर बाद की केकरो महल मकान है, केकरो महल मकान आ केकरो टूटल मचान। सब गरीब आदमी भोला बाबा के कहे छथिन हो बाबा केकरो दू महला तीन महला देने छो, केकरो मचानो को उपाय नहीं छे, ये सब अगले जन्म का जो कर्म हम लोग किए हैं उसका फल मिल रहा है। केकरो महल मकान केकरो टूटल मचान, केकरो फूट फाट पर दिवस अहां कट में लिए यो, कोना कोना के चल लिए यो। बाबा कोना कोना के दुनिया बन लिए, कोना कोना के चल लिए यो ना। इतने ने आर की केकरो डीजल मोटर गाड़ी केकरो पैदल के सवारी। भोला बाबा से सब आदमी कल के हो बाबा केकरो स्कॉर्पियो मार्शल सफारी फॉर्चूनर, आय काल एगो गाड़ी चलने कौन गाड़ी कहे छे थार, वो सब नहीं जाने छे मेरे को थार के जाने छियो। देखिए केकरो डीजल मोटर गाड़ी आ केकरो पैदल के सवारी। इतने नहीं आ केकरो दिन रात हेलीकॉप्टर पर घूम लिए, केकरो दिन रात हेलीकॉप्टर पर घूम लिए यो, कोना कोना के बन लिए यो ना। बाबा कोना कोना के दुनिया बन लिए यो, कोना कोना के चल लिए यो ना। बाबा कोना कोना के दुनिया यहाँ बन लिए यो, कोना कोना के चल लिए यो ना। अब पार्वती के पिताजी राजा दक्ष जा करके अपने कोठरी में गेट बंद करके चुपचाप रह गए। जाओ, पागल मेरा दामाद है, पागल मेरी बेटी है, दोनों को राजा थे रथ पर बेटी को विदा करने के आदेश दे दिए कि जाओ मेरी बेटी जाएगी एक रथ से पहुंचा दो। पहुंचाने वाले राजा का आज्ञा था, वो तो चला गया। लेकिन जब भोला बाबा की यहाँ पार्वती पहुंची
तो वहां थोड़े संगमरमर था, भांगे का टाटा, भांगे का छप्पर, भांगे का टाट, भांगे के छप्पर पहुंचाने वाला जो यहां से कर्मचारी गया, वो कहा महादेव आपका मकान, कहा देख लीजिए डिस्को मकान, अब तो हक्का बक्का हो गया। वहां से राजा का आदेश था पहुंचा करके आ जाना, क्योंकि बेटी भी मेरी बात नहीं मानी। जाओ, आज से जीवन में हम कभी अपने हृदय अंदर से बेटी दामाद को आवाज नहीं देंगे, जाओ। भोला बाबा कहते पार्वती हम तुमको पहले बोल दिए कि हमको डिस्को मकान है और तुम अपना मर्जी से शादी किया है। आहा, भोला बाबा के मकान में, फूस के मकान में मैया पार्वती रहने लगी। अब मैया पार्वती जब वहां रह करके तो भोला बाबा के लिए भोजन थोड़े बनाती है, कभी भांग पीसती है, कभी गाना लटाती है, कभी गोला बनाती है। भांग पीसते पीसते भोला बाबा के लिए पार्वती का कट्टा फूल करके तना होता। मैया पार्वती कहती है नहीं रा मैं रहा लित मन सुख बबली ससुर में आके हम भांग पीसवा बली हो, भांग पीसवा बली हो, भांग पीसवा बली, भांग पीसवा बली हो, भांग हो, नहीं रा मैं रहा लित मन सुख बबली ससुर में हमारा से भांग पीसवा, भांग पीसवा बली हो, भांग पीसवा बली, भांग पीसवा बली हो, भांग पीसवा बली, भांग पीसवा बली हो, भांग पीसवा बली हो, संग बम भूत मैता, संग बम भूत मैता, संग बम भूत बैताली भाई, दुल्हन चाही मम भोला के दे, दुल्हन चाही मम भोला के दे, ओ संग बम भूत बैताल, संग बम भूत बैताली भाई, दुल्हन चाही मम भोला के दे, दुल्हन चाही मम भोला के दे, हां दुल्हन चाही मम भोला के जैसन, दुल्हन चाही मम भोला के दे। मैया पार्वती भांग पीसते पीसते, तखनी तो टेलीफोन नहीं रहे, मोबाइल नहीं रहे, एक आदमी को भेजते हैं कि जाकर के देखो बेटी का ख्याल है। वो आदमी जब देखा कि भांग पीस रही है, दौड़ करके गए, मैना माई जुलूम कर दिए, जो पार्वती राज दरबार से निकलती नहीं थी, जो अपने सोने के झुलना पर से नीचे उतरती नहीं थी, महादेव के घर में जाने के बाद बारिश जब होती है तो डायरेक्ट बूंद नीचे गिरता है, और उसके घर में जा करके पार्वती सबका नाक कटा दिया, भांग पीस रही है, जाओ उसे बुला करके ले आओ। देखिए अब राजा का आदेश है कि कोई नहीं जाएगा, राजा का आदेश है कि हम उसको नहीं लाएंगे, लेकिन माँ का दर्द जो होता है वो तो कहना क्या है। मैना माई किसी के द्वारा अपनी बेटी को बुलाती है, बेटी जब आई तो माँ पूछती है कि बेटी ससुराल का समाचार, मैया पार्वती कहती माँ आप जीवन में कभी नहीं जीबो, हमारा जी नतीजा भेले, कल के बेटी तो कल ही महादेव छे, कल के हम महादेव तो छे, सब देवता पूजा करे छे, लेकिन हमारा घर में रहे व्यवस्थे नहीं छे, कल के आप माय नहीं जे वो। अब भोला बाबा की केल खनी दो चार दिन के बाद बिदागरी करवे चल गेल खनी, आ जैसे बिदागरी करवे गेल खनी तो माय पार्वती देखल के डर के मारे कांपे छे कि फिर हमरा भांग पीसे पड़ते, हमें आप नहीं जीवे। मैया मैना माई से भोला बाबा कहते के माता जी पार्वती को जाने की आज्ञा दीजिए। मैना माई जाकर के कहती कि बेटी तुम अपने पति के साथ जाओ। कल के नए माय मैना माई से पार्वती कहते मैयो माय हमने जइबो शिवम घर के मैयो। कल के बेटी की भेलो, कल के बाप रे बाप, ने को कोठी छे, ने बिछावन छे, ने घर छे, अब भांग पीसे वाला 3 फीट के गो सिल्ला लोढ़ी छे, हमे नहीं जेबो, बस एक एक वह संपत्ति के नाम पर छे। माय कहे छे बेटी हे पति भगवान होइ छथिन, पति परमेश्वर हो छथिन, जा महादेव के साथ समय बीतब। लेकिन मैया पार्वती कहे छे कि हमने जइबो शिवम घर के मैयो, हमने जइबो शिवम घर के, हमने जइबो शिवम घर के मैयो, हमने जइबो शिवम घर के, हमने जइबो शिवम घर के मैयो।
जइयो हम ना जइबो शिवम घर के हम ना जइबो शिवम घर के मइयो हम ना जइबो शिवम घर के हम ना जइबो शिवम घर के मइयो हम ना जइबो शिवम घर के मइयो दुल्हा मिलै कमार के मइयो गमार मतलब की मोड़ प्रसादी वितरण करवाए दे जाए आ कल दिन में तो फिर जना जी होते किया कि हम ना जइबो शिवम घर के हम ना जइबो शिवम घर के मइयो हम ना जइबो बलम घर के हम ना जइबो शिवम घर के मइयो हम ना जइबो बलम घर के मइयो दुल्हा मिलले कमार के मइयो ये मइयो ये मइयो हम ना जइबो शिवम घर के मइयो हम ना जइबो बलम घर के घर के मइयो हम ना जइबो बलम घर के हम ना जइबो शिवम घर के मइयो हम ना जइबो बलम घर के रोय रोय भोला हमरा से भंग पिसबाबो हो भंग पिसबाबो हो गांजा लटबाबो रोय रोय भोला हमरा से भंग पिसबाबो भंग पिसबाबो हो भंग हम ना जइबो शिवम घर के मइयो हम ना जइबो बलम घर के हम ना जइबो शिवम घर के मइयो हम ना जइबो बलम घर के रोज रोज भोला हमरा से भांग पिसबावे हो भांग पिसबाबो हो भांग पिसबाबो भांग पिसबाबे हो गांजा लटबाबे हो भांग पिसबाबो हो गांजा लटबाबो भांग पिसते पिसते मइयो पड़ गेलो बीमार के मइयो के मइयो हम ना जइबो शिवम घर के मइयो हम ना जइबो शिवम घर के हम ना जइबो शिवम घर के मइयो हम ना जइबो बलम घर के हम ना जइबो शिवम घर के मइयो हम ना जइबो बलम घर के हां हम ना जइबो शिवम घर के मइयो हम ना जइबो बलम घर के हां हम ना जइबो शिवम घर के मइयो हम ना जइबो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय प्रसाद के लेकर